हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे एंड अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। जैसा कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले अपडेट किया था कि जी टेक पॉली का एंड्रॉयड एप्लीकेशन कुछ दिन में लॉन्च होने वाला है, तो अब प्ले स्टोर पर आपके अपने जी टेक पॉली फैमिली का एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी आ चुका है, जिसमें आपके लिए बहुत सारा फ्री मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्जाम टाइम पर हम जब सब्जेक्ट्स का रिवीजन करते हैं, उस समय बड़े बड़े वीडियो लेक्चर्स देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब बिल्कुल पास हों एग्जाम, ठीक है। तो उस समय हमारे लिए PDF बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो सारे PDF की बात करेंगे, बहुत सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हों, आप चाहे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हों या फिर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हों, सभी के लिए बहुत सारे PDF हमने प्रोवाइड किए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर हमने सारा कुछ कंटेंट आपको फ्री प्रोवाइड किया है और फ्यूचर में भी हम बहुत कुछ करेंगे एप्लीकेशन पर, वन बाई वन सभी की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सबके लिए बहुत सारी बधाइयाँ कि आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ये पॉसिबल हो पाया है। तो आपसे अब छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करें। कैसे इंस्टॉल करना है आपको, PDF कहाँ मिलेंगे, किस तरह से PDF डाउनलोड करने हैं, कैसे आपको फ्री में वीडियो लेक्चर्स देखने हैं एप्लीकेशन से, सारी बातें करेंगे। सिर्फ आप मुझे 2 से 3 मिनट का टाइम दीजिए, सब कुछ क्लियर आपको करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, सारी डिटेल को जानने के लिए हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करके कहाँ से PDF को डाउनलोड करेंगे। चलिए हम लोग आ चुके हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। आप सबके मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर का ऑप्शन तो होगा ही, आप इस प्ले स्टोर पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे तो आप फिर इसके बाद सर्च बार पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ सर्च बार में आपको टाइप करना है जी टेक स्पेस दे करके पॉली POLY, जी टेक पॉली को सर्च करेंगे आप तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन शो हो जाएगा जी टेक पॉली। और इसके बाद आप इस इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ इंस्टॉल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जस्ट वेट करेंगे 2 सेकंड का, अभी जल्दी ही इंस्टॉल हो जाएगा। ये 44 MB के लगभग में है ये। जस्ट 2 सेकंड वेट करें, जस्ट हो गया। इसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे, जो आपके सामने ओपन आ रहा है। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे, आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा मोबाइल नंबर डालने के लिए। अभी ओपन हो रहा है, जैसे हो गया। इसके बाद आप मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा इसमें। मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे, OTP मांगेगा आपसे, OTP आप ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा। OTP फिल हो गया, अब ये खुल चुका है एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ से ऐप खुल गया हमारा, ठीक। अब इसमें आपको सामने बिल्कुल होम पेज पर ही एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्टडी मटेरियल का, दिख रहा सभी को ये स्टडी मटेरियल। इस स्टडी मटेरियल पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टडी मटेरियल पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपके सामने PDF खुल करके आ जाएंगे। देखिए किस किस सब्जेक्ट के PDF है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के हैं, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन के हैं, BCME के हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, इन्वायरमेंट स्टडीज़ के हैं, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, इरीगेशन इंजीनियरिंग, CMA ED, स्टील स्ट्रक्चर, सर्वेइंग फर्स्ट, अप्लाइड मैकेनिक्स, SOM। तो यहाँ आपको सब्जेक्ट के नाम से फोल्डर बने हुए हैं। अब इनके अंदर आपको PDF मिलेंगे। जैसे मैं कोई एक खोल कर दिखाता हूँ आपके सामने, सपोज कीजिए हम इसको खोलते हैं, ठीक। कंक्रीट टेक्नोलॉजी पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी पर क्लिक किया, यहाँ पर एक्सेप्ट कीजिएगा। एक्सेप्ट करते ही आप इसको अलाउ पर क्लिक करके अब यहाँ से खोल सकते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। देखिए ये 4 हैं PDF यहाँ पर हमारे पास। पहला कंक्रीट टेक्नोलॉजी Unit 1 के हैंड रिटन नोट्स हैं। इसके बाद कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बुक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स 2 हैं यहाँ पर। और फिर नीचे लिखा है कंक्रीट टेक्नोलॉजी हैंड रिटन नोट्स, मतलब अलग अलग टाइप के नोट्स हैं, अलग अलग राइटिंग में नोट्स हैं, सब सेम ही, ठीक है। तो ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप डाउनलोड करके खोल कर देखिएगा इसको। और समझाते हैं, देखिए यहाँ पर हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन के नोट्स भी हैं, जिनमें सबसे पहला फर्स्ट PDF है Unit 1 का, दूसरा PDF है हमारा हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन के नोट्स का PDF है, कंप्लीट नोट्स है इसमें। नीचे फिर बुक का PDF है। इसके बाद आप देख रहे हैं नीचे BCME बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग, एक मिनट, ये PDF पर क्लिक हो गया डाउनलोड के लिए, कोई बात नहीं। इसमें बुक का PDF था, ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बुक है ना, इसका PDF है, वो डाउनलोड हो चुका है, ठीक। इसके बाद आप पीछे आएंगे तो फिर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर इन्वायरमेंट स्टडीज़, इन्वायरमेंट स्टडीज़ की बुक का PDF है ये। इसके जस्ट नीचे आएंगे अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के देखिए प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर 2019 का, 2018 का, 17 का, 15-16 का, विद सॉल्यूशन है, सॉल्ड पेपर है ये, ठीक है। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का देखिए चैप्टर वाइज PDF भी यहाँ पर, ये सब इंपॉर्टेंट PDF है, सिविल वाले स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है ये। इरीगेशन इंजीनियरिंग भी सिविल में है, देखिए पेपर भी है यहाँ पर 2019-18। यहाँ ट्रिक वाले नोट्स हैं इरीगेशन के, नीचे देखेंगे आप तो इरीगेशन इंजीनियरिंग के कंप्लीट नोट्स हैं, ठीक।
इसके बाद आप और नीचे देख सकते हैं CMAED सिविल इंजीनियरिंग के 6th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ये CMAED। इसके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर यहाँ पर दिए गए हैं PDF की फॉर्म में। नीचे स्टील स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर के बेहतरीन नोट्स हैं अगर आप देखेंगे यहाँ पर। ये तो ऊपर तो आपको एग्जाम पेपर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तो नीचे तो आपको एग्जाम पेपर दिखाई दे रहे हैं 2015 के 16 17 18। ये विद सॉल्यूशन है 2019। फिर यहाँ MCQs हैं, ठीक, रिवेट कनेक्शन के MCQs। ऊपर जो लिखा कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स हैं, टोटल नोट्स सबसे पहले फर्स्ट वाले पर, ठीक है। इस तरह से स्टील स्ट्रक्चर के नोट्स हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग का ये भी सब्जेक्ट है। सर्वेइंग फर्स्ट के नोट्स हैं यहाँ पर, सर्वेइंग फर्स्ट में सिर्फ अभी चैन सर्वेइंग के नोट्स दिए गए हैं आपको। जस्ट नीचे आएंगे अप्लाइड मैकेनिक्स, ये 2nd सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसमें अप्लाइड मैकेनिक्स के बहुत सारे PDF हैं, आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर 250 MCQs हैं विद आंसर, ये ऊपर पहला PDF। दूसरा बीम के नोट्स हैं, तीसरा फ्रिक्शन के नोट्स, फिर मूवमेंट ऑफ इनर्सिया के नोट्स हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नोट्स हैं, फिर अप्लाइड मैकेनिक्स के शॉर्ट नोट्स हैं, और नीचे कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के, क्लियर ना। फिर लास्ट में आपके सॉम के नोट्स हैं, सॉम में क्या क्या है, पहले तो पूरी बुक का PDF है, दूसरे नंबर पर देखेंगे कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स का PDF है, तीसरे पर देखेंगे आप एग्जाम पेपर है विद सॉल्यूशन है ये, ठीक। चौथे नंबर पे ऑल फॉर्मूलाज दे रखे हैं सोम एंड मॉस के, इसके बाद आपके सभी डेरिवेशंस और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। इस तरह से ये सब तो PDF हो गए। अब इसी में आप स्टडी मटेरियल के जस्ट बगल में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा है वीडियोज। जब आप इस वीडियोज पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने वीडियोज के फोल्डर आ जाएंगे। अभी हमने 2 सब्जेक्ट ही एप्लीकेशन पर प्रोवाइड किए हैं, उसके कुछ लेक्चर अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है, आज लॉन्च ही हुआ है कुछ टाइम पहले ही। सर्वेइंग में आप क्लिक करेंगे तो देखिए 4 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं सर्वेइंग के, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ये पेड नहीं है, फ्री वाला है, ठीक है। यहाँ RCC के देखिए लगभग 6 लेक्चर हैं, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी भी कोई फीस पे नहीं करनी है आपको। ये तो स्टडी मटेरियल हो गया आपका। अब अगर आप देखेंगे नीचे, बिल्कुल नीचे देखिए आप, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब होम पेज है पहला आपका, इसके बाद फिर ये आपका यहाँ स्टोर का ऑप्शन नीचे देखेंगे आप, तो स्टोर जो ऑप्शन स्टोर का, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी स्टोर में कोई मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया गया। एक्चुअल में स्टोर वाला जो ऑप्शन है ये पेड कोर्स के लिए होता है, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। जैसा कि आप सबको बताया था RCC का पेड कोर्स स्टार्ट करेंगे, हालांकि कोर्स अवेलेबल है लेकिन अभी उसे पब्लिश नहीं किया गया है। तो आप लोगों की जैसी कमेंट्स होंगे आप बता दीजिएगा कब से उसे पब्लिश करना है। मेरी तो सोच ये थी कि आप एग्जाम पहले अच्छे से दे लीजिए 3rd सेम के, उसके बाद आप 4th सेम का आराम से पढ़िएगा रिलैक्स होकर, जब भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही एप्लीकेशन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, अभी सब कुछ सारे ऑप्शन इनेबल नहीं किए गए हैं, आपको चैट वगैरह सब कर सकते हैं। अगर आप ऊपर सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे होम पेज पर ही, तो आपको यहाँ पर देखिए ये टेलीग्राम चैट का ऑप्शन आ रहा है, इधर टेलीग्राम ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, इधर ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, तो आप मुझसे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप मेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से मेल ईमेल मुझे भेज सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर क्लिक करेंगे टेलीग्राम खुल जाएगा, चैट के लिए डिस्कशन खुल जाएगा हमारे यहाँ पर। इसके अलावा इसमें भी आपके लिए ग्रुप बन जाता है, आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। टेस्ट पोर्टल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको 1 बाय 1 सब कुछ समझ में आता रहेगा, तो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये ऐप। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जैसे आपको टेलीग्राम पर क्लिक करना है, जैसे आपने टेलीग्राम पर क्लिक करेंगे तो आप जाएंगे टेलीग्राम पर, खोलेंगे इसे तो आपके सामने ये टेलीग्राम जी टेक पॉली का खुल के आ जाएगा, ठीक है, इधर देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टेलीग्राम चैट की, तो यहाँ डिस्कशन खुल जाएगा हमारा टेलीग्राम पर जाते ही, ठीक। देखिए यहाँ से डिस्कशन हो गया, यहाँ पर 864 मेंबर हैं, ये डिस्कस करने के लिए है। यहाँ आप कोई भी क्वेश्चन या डाउट अपने पूछ सकते हैं मुझसे। इसके अलावा मेल पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ से मुझे मेल कर सकते हैं जीमेल के थ्रू, ठीक है। आप यहाँ से देख पाएंगे डायरेक्ट मेरे पास मेल आएगा, कुछ भी कोई भी क्वारी है, कुछ भी पूछना है आपको, डायरेक्ट मुझे मेल करेंगे तो आपका मेल मेरे पास पहुँच जाएगा, ठीक है। बोलिए क्लियर है सभी चीज़ें, 1 बाय 1 आपको सब कुछ समझ आ गया। तो अब हम मिलेंगे आपको वीडियो लेक्चर में। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल फ़ोन में। सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स तो खासकर जरूर कर लें, क्योंकि उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है फ्यूचर में ये, ठीक है। तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले किसी लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।